तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी BFD का जो पुराना वाला BFD है उसका कनेक्शन रिमूव करते हैं। ये हो गया इसका इनकमिंग सप्लाई, तो हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया इनपुट सप्लाई, ये हो गया DBR का, और ये हो गया मोटर का। मोटर का इसको हम लोग अभी टेप मार के रख देंगे ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए वायर। अगर आपस में मिक्स हो जाएगा तो अपने को प्रॉब्लम दे सकता है आगे। चलिए सेकेंड इसकी डी वायर खोल दिया, वाई का भी वायर खोल दिया, आर का भी वायर खोल दिया। अभी हम लोग कंट्रोलर रिमूव करते हैं। ये हो गया रिवर्स कवर, ये हो गया अपना कंट्रोल वायर पूरा रिमूव हो गया। अभी हम लोग इसका अर्थिंग का वायर भी निकाल देंगे ताकि दूसरा वाला BFD हम लोग लगाएंगे तो उसमें अर्थिंग बराबर दे पाए। और एक बात ज़रूरी है दोस्तों कि अर्थिंग ड्राइव में बराबर लगाना चाहिए ताकि अगर आप अर्थिंग लगाने में गलती करोगे तो BFD उड़ने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अर्थिंग अगर आप लगाएंगे प्रॉपर तो आपका BFD उड़ने का चांसेस उस जगह पर ना के बराबर हो जाता है। तो कवर को लगा दिया और ये हो गया ये पूरा पैक। तो चलिए दोस्तों नया वाला BFD इंस्टॉल करते हैं, जब फिर मिलते हैं।